Hello and welcome friends on my YouTube channel. Please subscribe, like and share to my channel and press the bell icon. दोस्तों आज मैं आपको IAS और IPS में अंतर बताती हूँ और साथ ही इनकी अलग अलग भूमिकाएँ होती हैं और इनकी सैलरी में भी बहुत अंतर होता है. तो ये हैं IAS, IPS, IES और IFS. हर कोई सपना देखता है कि वो भविष्य में IAS, IPS, IES या IFS बने. लोगों को इन अधिकारों के काम, वेतन आदि के बारे में पता नहीं होता और इनकी भूमिकाओं को लेकर वे कंफ्यूज रहते हैं. आज मैं आपको IAS, IPS, IES, IFS अधिकारियों में अंतर बता रही हूँ जिनके बारे में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं. IAS और IPS का पद विशेष अधिकार वाला होता है. इन्हें लोक सेवा अधिकारियों के तौर पर जाना जाता है और ये भारतीय लोकतंत्र के ध्वजवाहक कहलाते हैं. इनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और इनकी सैलरी में भी बहुत अंतर होता है. यह सभी अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद चयनित किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं. सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS. सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को IAS बनाया जाता है. IAS अधिकारी संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाकों में लागू करवाते हैं, साथ ही नई नीतियां या कानून बनाने में भी अहम योगदान निभाते हैं. IAS अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि भी बन सकते हैं. अगला है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस. IPS अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है और IPS SP से लेकर IG, डेप्यूटी IG, DGP तक बनाए जाते हैं. IPS फियरलेस और इक्वलिटी को साथ लेकर चलते हैं. IAS सही तौर पर कानून को लागू करने का काम करते हैं. अगला है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES. यह सरकार के ट्रेकिकल फंक्शन को देखते हैं. खास बात यह है कि अन्य अधिकारियों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, लेकिन IES के लिए उम्मीदवारों को इंजीनियर से ग्रेजुएट किया होना आवश्यक है. IAS अधिकारी डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सर्विस इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करते हैं. नेक्स्ट IFS. IFS विदेशी मामलों को लेकर काम करते हैं और विदेशी मंत्रालय में अपनी सेवाएं देते हैं. IFS अधिकारी UPSC क्लियर करने के 3 साल की ट्रेनिंग के बाद IAS ऑफिसर बनते हैं. IFS ऑफिसर डिप्लोमेसी से जुड़े मामलों में काम करते हैं और द्विपक्षीय मामलों को हैंडल करते हैं. अब आता है IAS अधिकारी की सैलरी. IAS अधिकारी के वेतन की बात करें तो ये विभिन्न संरचनाओं के आधार पर होता है, जैसे कि जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल. वेतन मानों में अलग अलग वेतन बैंड होते हैं. IAS अधिकारी भी HRA मूल या आधिकारिक आवास का 40% के हकदार होता है. साथ ही उन्हें DA, TA भी मिलता है. इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, अपेक्स, सुपर टाइम स्केल के आधार पर सैलरी बढ़ती चली जाती है. IPS अधिकारी की सैलरी. IPS अधिकारियों को भी PF, ग्रेच्युटी, हेल्थ केयर सर्विसेज, आजीवन पेंशन, निवास, सर्विस क्वार्टर, परिवहन, घरेलू कर्मचारियों, अध्ययन की छुट्टियों और कई अन्य सेवानिवृत्त सुविधाएं दी जाती हैं. इसमें IG, DIG, ADG, ASP के आधार पर सैलरी मिलती है. तो दोस्तों ये था IAS, IPS के बारे में डिफरेंस, उनकी सैलरी. आई होप कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी. थैंक यू.